भाजपा ने चलाया गांव चलो अभियान। भाजपा मंडल मुंशारी ने गांव चलो अभियान के निमित्त हरकोट बूथ पर अभियान चलाया। लोगों को केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा की। मंडल अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ने जनता की समस्याओं को सुनकर विभागीय अधिकारियों से वार्ता करी और त्वरित कार्रवाई करने को कहा। खाद्य विभाग, मत्स्य विभाग, पशुपालन विकास खंड, जल संस्थान, PWD व अन्य विभागों संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए अधिकारियों को कहा गया। इस अभियान में शक्ति केंद्र प्रभारी मंडल महामंत्री रघु मर्तोलिया, दीपू धपवाल, अनुसूचित जाति के जनजाति मोर्चा के लवराज निरकुपा, शक्ति केंद्र संयोजक बबलू सिंह, विक्रम कुन्नू, जितेंद्र सिंह, गंगाराम आदि उपस्थित रहे। निमित्त हमने हरकोट बूथ पर अभियान चलाया, जहाँ पे जनजागरण और केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी लोगों से दी और लोगों ने हमें उस जानकारी में बताया और कुछ अधिकारियों के द्वारा उनको सही से नहीं दिया गया जो उचित सामान मिलना था उनको या जो भी सुविधाएं सरकार से आई हैं, तो उसके लिए हमने तुरंत वहीं से विभागीय अधिकारियों से बात की और जन समस्याओं का समाधान के लिए। जय हिंद। धारचूला के कोतवाल कुंवर सिंह रावत ने बताया कि अभी तक सत्यापन अभियान में तेजी लाने से 60 लोगों का सत्यापन भी कर दिया गया है। वो 6 मकान मालिकों के 10-10 हज़ार रुपये के चालान भी किए गए हैं और अभी सत्यापन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और सत्यापन प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। वर्तमान समय में हमारी आदेश है जिले में हर क्षेत्र में सत्यापन किया जाएगा और विशेषकर हमारे थाना क्षेत्र के अंदर ये आदेश हो चुका है कि आप 100% सत्यापन करेंगे। हम घटना के बाद और घटना से पूर्व हम लगातार सत्यापन करते आ रहे हैं, लेकिन अभी हमने बहुत तेज़ी से पकड़ा है। इसी 3 दिवस के अंदर हमने लगभग 60 लोगों का सत्यापन किया, जिसमें 6 लोगों का मकान मालिक के खिलाफ 10 हज़ार की कार्रवाई की। जिन मकान मालिक ने अपनी सूचना नहीं दी उनके खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई की है और ये अभियान जारी है और चलता है। धारचूला व्यापार संघ के द्वारा आज धारचूला में दूसरे दिन भी सदस्यता अभियान की शुरुआत रखी गई। आज धारचूला में तल्ली बाजार में सदस्यता अभियान किया गया। महेश गर्ब्याल, साथ में शकुंतला आगरी व अन्य लोगों ने आज दुकान दुकान जाके सदस्यता अभियान चलाया। जिन दुकानदारों के पूर्व में पर्चे कटे थे उनके नए सिरे से पर्चे काटे गए हैं और जो दुकानदार संयस में थे उनको रफ में लिखा गया है। मेरा कहना यही है कि एक व्यापारी महिला सचिव होने के नाते ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी आज तक की पुरानी सदस्यता थी वो सब निरस्त कर दी गई है, तो नए सिरे से हम व्यापार मंडल ने ये निर्णय लिया है कि नए सिरे से कल से सदस्यता शुरू कर दी गई है। उसमें कई लोगों का अभी सदस्यता हमने दे दी है, कई का अभी हमने रखा है नाम, तो उसमें अब व्यापार संघ निर्णय लेगी कि किसको सदस्यता देना है या किसको नहीं देना है। अभी व्यापार संघ के पदाधिकारी, संरक्षण मंडल सभी मिलकर के इसमें निर्णय लेंगे। धारचूला में आज उपजिलाधिकारी कार्यालय में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक का मुख्य मुद्दा था अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल में स्थानीय नागरिकों के साथ जांच के नाम पर बदतमीजी, अभद्रता। उक्त विषय में उपजिलाधिकारी धारचूला ने SSB के डिप्टी कमांडेंट व अन्य लोगों को बुलाया था। व्यापार संघ के लोग भी मौजूद थे, साथ ही अध्यक्ष नगर पालिका अशोक नब्याल जो पूर्व अध्यक्ष हैं, कृष्णा गर्ब्याल, विधायक प्रतिनिधि निरूप गर्ब्याल, अश्विनी नपलचाल, साथ ही बहुत सारे गणमान्य नागरिकों को आज वहां बुलाया गया था। उक्त प्रकरण में मौजूद व्यक्तियों ने SSB पर खुले आरोप लगाए कि जांच के नाम पर वो आए दिन स्थानीय लोगों का उत्पीड़न कर रही है। विधायक प्रतिनिधि निरूप सिंह गर्ब्याल ने कहा कि नेपाल से शादी ब्याह से आते वक्त भी झोले में कुछ जेवरात वगैरह होते हैं जो कि यूज के लिए ले आए जाते हैं, उनके लिए भी पर्ची इत्यादि मांगने की बात उन्होंने कही। इसमें काफ़ी नोकझोंक का वातावरण दिखाई दिया, परंतु SSB को हटाने की भी कई दौर में बात हुई, परंतु अंतिम निष्कर्ष यह निकला कि SSB के डिप्टी कमांडेंट के द्वारा स्थानीय पुल पर जो कर्मचारी हैं उनको समझाया जाएगा, अगर वो कर्मचारी इसी तरह की अभद्रता करेंगे तो उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन SSB लेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच के नाम पर आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा और उपजिलाधिकारी धारचूला के आदेश के अनुसार सिलेंडर भारतीय नागरिक को ले जाने की अनुमति होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी सामान आदान प्रदान है वो लगातार चलेगा और अगर कहीं कोई दिक्कत लगेगी या कानून का उल्लंघन लगेगा तो SSB सख्ती करेगी, परंतु जनता से मिलकर ही SSB कार्य करेगी। वहीं पूर्व अध्यक्ष अशोक नव्याल ने कहा कि हमारा नेपाल का रोटी पेटी का रिश्ता है, परंतु SSB के द्वारा नाहक हमें परेशान किया जा रहा है, अगर यही रहा तो हम आश्वस्तता पड़ेगी तो हम गृह मंत्रालय तक वार्ता करेंगे।
अंत में डिप्टी कमांडेंट ने सबको कहा है कि आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी और एक दौर की चर्चा परिचर्चा और चलेगी। अब एसएसबी के जवान जो अभद्रता कर रहे हैं उनको समझाया जाएगा और नियमानुसार सभी कार्रवाई की जाएंगी, लोगों का सामान भी आएगा और जाएगा। और जहाँ तक हमारे संज्ञान में भी आपने भी मालूम है, चाहे बिहार से हो या पीलीभीत से हो या बनवासा से हो, गाड़ी गाड़ी से जो है सामान रोजमर्रा जरूरत का सामान जाता है। ऐसे हमारे यहाँ से भी कस्टम रूट से जाता है सर, सब सामान इंडिया से ही जाता है। जी जी सर, जैसे आप उन्होंने कहते हैं नमक हो या खाने पीने का सामान हो, कोई भी सामान सब इंडिया से जाएगा। जी जी, अब भारत का छोटा भाई हिंदू राष्ट्र दो ही है, और डिप्लोमेटिक स्तर पर तो बहुत ही पॉजिटिव है, एक दूसरे का ख्याल करना है। अभी छोटे मोटे मसले होते रहते हैं, लेकिन जहाँ तक सीमा का जो है ये हमारे हम लोग के आपसी चेकिंग की बात नहीं, हमारे ईगो की तो कोई बात नहीं, हमारा कोई औकात नहीं, लेकिन भारत नेपाल का रिश्ता खराब हो रहा है, रोटी बेटी के रिश्ते खराब हो रहे हैं। इतने 50 साल में आज तक अभी पत्थरबाजी नहीं, वहां से पत्थर क्यों फेंकते हैं? ये राजेंद्र सिंह जी आए, इनके साथ दुनिया भर का अभद्रता हुआ, औरों के साथ भी हुआ। माना ये नेपाली होता तो वहां जाके कितना गाली देता, और कल पत्थरबाजी होता तो ये 4 पत्थर और फेंकता। ये जिम्मेदारी एसएसबी को लेनी पड़ेगी कि हमारा जो बंधुत्व तो बना रहे, नेपाल का आदमी आता है, हमारा ग्राहक है, वो यहाँ से सामान खरीद व्यापार संघ उसी से तो चल रहा है, और जब वो आदमी भारत आने से कतराता है, और कई बार ऐसी स्थिति पे आएगी आदमी आने के बाद वो एसएसबी के, मैं सारे एसएसबी को ब्लेम नहीं करता, लेकिन एसएसबी जो वहां पे तैनात जवान है उसकी अभद्रता के कारण वापस गया। तो ये धारचूला में आज भारत चीन सीमावर्ती दारमा मोटर मार्ग के संबंध में आज प्रदर्शन हुआ। भारत चीन सीमांत दारमा घाटी को तहसील मुख्यालय धारचूला से जोड़ने वाली तवाघाट सोबला ढाकर मोटर मार्ग में स्थित सोबला मोटर ब्रिज व मोटर मार्ग सुधारीकरण न होने के विरोध में धरना प्रदर्शन धारचूला तहसील परगना में देखने को मिला। पूरे ग्राम प्रधान दिलिंग दारमा एवं समस्त सोबला उमचिया के लोग मौजूद थे। यानी यूं कहें कि दारमा सड़क के साथ लगे खेत सोबला वतन सुवा दर बोंगलिंग संपूर्ण क्षेत्र और दिलिंग दारमा संघर्ष समिति के बैनर तले जुटा था। उनके लोग यहां पूरे पूरे मौजूद थे। साथ ही चल मोटर पुल, तिजम वतन के मध्य झूला पुल और सेला मोटर पुल की मांग भी रखी गई थी। इस धरना प्रदर्शन में नारायण सिंह दरियाल, प्रेमा कुटियाल, पप्पू फगलियाल, पूरण ग्वाल, दिनेश सयाल, निहारिका गरबियाल, समस्त अन्य लोग भी मौजूद थे। दारमा सड़क संघर्ष समिति को 1400 और ब्यास वैली के द्वारा भी पूर्ण समर्थन दिया गया है। कुटी को उन्होंने इस आंदोलन में समर्पित करने की बात कही, एक बार जोरदार तालियां प्रेमा कुटियाल जी के लिए। तो आज के हमारे इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में जो हमने प्रमुख बिंदुओं को इसमें समावेश, क्षेत्र का भविष्य जरूर सुधरेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनी आपने मांग रखी है धारचूला क्षेत्र से 2 नाबालिग बालिकाओं को भगाकर ले जाने वाले मुख्य आरोपी को पिथौरागढ़ पुलिस ने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से किया गिरफ्तार। एक अन्य अभियुक्त को पूर्व में ही किया जा चुका है गिरफ्तार। बता दें पिथौरागढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर अभियोग पंजीकृत करते हुए दोनों नाबालिग बालिकाओं को रोडवेज स्टेशन बरेली से सकुशल बरामद पूर्व में कर लिया था, तथा बालिकाओं के बयान के आधार पर उनको भगाकर ले जाने वाले एक आरोपी इरफान पुत्र फिदा हुसैन निवासी नगरिया इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया था। उक्त मामले में एक अन्य आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के निर्देश में पुलिस टीम गठित की गई थी, जिस पर पुलिस टीम द्वारा गहन सुरागरसी पतारसी करते हुए मुख्य आरोपी इरफान सलमानी पुत्र कबीर सलमानी को साजापुर से गिरफ्तार कर लिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब DCL न्यूज़।